कि पीने वाला अगर कोई पकड़ा है तो 2 महीना या 2.5 महीना से ज़्यादा उसको जेल में न रखिए और उसको कानून में सुधार करके उसको छोड़ दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि NDA के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे महागठबंधन में आ रहे हैं। बिहार के खगड़िया में गरीब संपर्क यात्रा के तहत पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शनिवार को अलौली के सोनिहार समेत कई इलाकों में पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों से मुलाकात की। इस दौरान मांझी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बार फिर कहा, शराबबंदी के कारण बिहार के गरीब लोग ही सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। शराब पीने वाला यदि कोई पकड़ा जाए तो उसे 2 से 2.5 महीने से ज्यादा जेल में न रखे और उन्हें छोड़ दे। बार बार मेरे मांग किए जाने पर कई बार समीक्षा की गई और शराबबंदी कानून को लचीला बनाने की दिशा में पहल की गई। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को शराबबंदी की समीक्षा को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। वहीं NDA से बढ़ती नज़दीकी के सवाल पर मांझी ने कहा कि NDA के बड़े बड़े नेता महागठबंधन में आ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि मेरे कहने पर ही संभवतः 2-2, 3-3 बार समीक्षा किया है और अगली बार उन्होंने ऐसा कहा है कि सर्वदलीय बैठक हम लोग बुलाएंगे। अब बुला करके तय करेंगे कि शराबबंदी को क्या किया जाए, क्या कहा जाए। तो इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं, समय समय पर लचीला रुख अपना रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि शराबबंदी में पदाधिकारियों के मनमानी के चलते हमारे गरीब तबके के लोग अधिक विक्टिमाइज हुए हैं। आज जितना भी केसेज हुआ है वो केसेज में 70% गरीब लोग ही हैं। मैं तो अगर समीक्षा की बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, तो मैं तो यही कहूँगा कि पीने वाला अगर कोई पकड़ा है तो 2 महीना या 2.5 महीना से ज़्यादा उसको जेल में न रखिए और उसको कानून में सुधार करके उसको छोड़ दीजिए। NDA के नेता कह रहे हैं कि मांझी जी भी NDA में शामिल हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के तहत। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि NDA के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे महागठबंधन में आ रहे हैं। बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का बिहार में मजबूत जनाधार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर NDA में जाने की अटकलों पर मांझी ने कहा था कि ये औपचारिक मुलाकात थी। NDA के बड़े बड़े नेता महागठबंधन में आ रहे हैं। इन दिनों बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। कब कौन नेता कहां पलटी मार जाए ये कहा नहीं जा सकता। पंजाब के CTV के लिए खगड़िया से आशीष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।